सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम राहुल और मैं गाइस आज आप सबको हॉस्टल टूर देने वाला हूँ। एज यू नो, सो आप जानते होंगे काफी टाइम हो गया है मैं हॉस्टल टूर की वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, बट वेल यू डोंट हैव टू वेट एनी मोर। सो फाइनली आई एम गोइंग टू गिव यू माई हॉस्टल टूर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सो बेसिकली आज के इस हॉस्टल टूर में मैं आपको अपने हॉस्टल के बारे में बताऊंगा और हमारे हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और कैसे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे रूम के, क्या रूम पॉलिसी है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं यहाँ। मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। जो भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और कोई भी क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं, तब तक मैं आपको अपने हॉस्टल के अंदर लेके चलता हूँ। सो आइए मेरे साथ, हियर वी गो। और एक छोटे से कमरे में वार्डन इंचार्ज बैठता है। सामने जो है, सामने जो गेट देख रहे हो गाइस वो है मेन हॉस्टल का गेट। तो हमारा गाइस हॉस्टल कुछ इस तरीके से दिखता है और ये है गाइस हॉस्टल का मेन गेट यानी मेन एंट्रेंस जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। और गाइस यहाँ पे 9 बजे के बाद ताले बंद हो जाते हैं। तो फैमिली अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने हॉस्टल के अंदर, तो चलो चलते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से अंदर जाते हैं सामने पड़ती है सीढ़ी स्टेयर्स अप स्टेयर। तो फैमिली अब हम यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं और ये सामने कुछ विंडो से खूबसूरत सा इवनिंग व्यू दिख रहा है हमें सामने से। सो अब हम यहाँ से जैसे ऊपर पहुँचते हैं हमें ये डस्टबिन मिलता है। सो फैमिली ये यहाँ पे है कॉमन वॉशरूम जो हम सब लोग यूज करते हैं जितने बॉयज हैं, और ये सारे मेरे फ्रेंड्स के रूम हैं और इधर वाले रूम जूनियर्स के हैं, इधर वाले रूम सीनियर्स के हैं। और कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है हमारे हॉस्टल के अंदर के कॉरिडोर का। और ये कॉमन खिड़की है, इधर से भी है। और ये कुछ कपड़े हैं जिनको आप अवॉइड कर, और ये गाइस मेरा रूम है, यह सेकंड फ्लोर। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं रूम नंबर 6 में जो है ललित का रूम। और यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं भगवान जी की जो बहुत अच्छी है, और कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर रखा है रूम। ललित हमारे असाइनमेंट बना रहा है और यहाँ से बाहर का व्यू देख सकते हैं आप कितना अच्छा दिखता है रूम के बाहर का। अब मैं लेके चलता हूँ आपको देवेश के रूम पे। सामने है कॉमन वॉशरूम जो हर कोई यूज करता है। ये इन्होंने भी बहुत अच्छी दीवार डेकोरेट कर रखी है, एज यू कैन सी देवेश बेड मेकिंग करते हुए, और बहुत अच्छी चादर इन्होंने बिछा ली है। और ये इनका व्यू है बाहर का खिड़की का जो कि बहुत ही प्यारा नजारा है। तो देवेश कुछ बोलना चाहेंगे आप? यस नाम बात। तो गाइस ये अभी नहाने जा रहा है, ये देखो गाइस पता नहीं क्या क्या करता रहता है। और गाइस ये है छत का व्यू, वो है जो वो पहाड़ है यहाँ से साफ दिख रहे हैं। और ये हमारा कैंपस है, कितना अच्छा सनसेट हो रहा है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने रूम में। सो फैमिली रूम नंबर 13 ये मेरा रूम है, और सो दिस इज माय रूम। आर यू गाइस रेडी फॉर माय रूम टूर? ज्यादा हो गया वैसे गाइस, ये पीछे आप किताबें देख रहे हैं, इससे तो मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बस ये हमने ऐसे रख दिए हैं, पढ़ते तो है नहीं हम। तो फिलहाल गाइस मैं भी आपको रूम टूर देता हूँ, आगे बात करते हैं। सो हेयर दिस इज माई रूम, और मैं अपने रूम की जर्नी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस टेबल से। सो गाइस ये मेरी टेबल है और वो मेरे रूममेट की टेबल है उस तरफ, और ये अभी यहाँ पे नहीं है, इसने पूरा बेड मैसेजा कर रखा है। और
ये हमारी विंडो है जो बाहर के आउटसाइड है और ये साइड मेरी है एज यू कैन सी। और ये हमारी कुछ बुक्स हैं और ये गाइस एप्रेन है जो हम क्लिनिकल ड्यूटी से आते ही अपने एप्रेन यहाँ पे उतार के टांग हैंग कर देते हैं टांग देते हैं। और गाइस ये गिटार है। सो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है सोने के बाद, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको गंदी वाली फीलिंग आ रही हो। सो दिस इज अ दरवाजा एज यू कैन सी, ये हमारा प्यारा दरवाजा है। और सो गाइस ये है हमारा स्टेथोस्कोप और ये हमारा बेड है और ये हमारे कुछ कपड़े हैं जो हम दरवाजे के पीछे टांग देते हैं आते ही। ये सॉकेट है चार्जर का और ये हमारी अलमीरा है और ये है गाइस विंडो, कॉमन विंडो जो यहाँ से कुछ बाहर से कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है प्यारा व्यू दिखता है। तो गाइस ये रहा मेरा रूम, मैंने आपको अपना रूम टूर करा दिया है। अब मैं आपको रूम पॉलिसीज के बारे में बता देता हूँ गाइस। वैसे तो टू रूम पॉलिसी है, एक रूम में दो लोग होने चाहिए, मतलब दो बैचमेट्स होने चाहिए। सिंगल रूम किसी को अलॉटेड नहीं किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि आपको इलेक्ट्रिक कोई भी आइटम यूज नहीं, इलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ भी यूज नहीं करना है, जैसे आपका इंडक्शन हो गए या भी कोई भी यानी कोई भी चीज हो गई, हीटर हो गया आपका, कूलर, ये सब रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते आप। और बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगा। और गाइज ये है अलमीरा जहाँ पे हम अपने कपड़े और सामान रखते हैं। चलो मैं इसको बाद में दिखाऊंगा आपको खोल के क्या अंदर क्या सामान है। और यहाँ पे गाइज आपको दुनिया का सारा सामान मिलेगा। और गाइज वो हमारा गिटार है जो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये गाइज हमारी कुछ बुक है और ये सामान रखे हैं कुछ हमारे जो डेली यूज के होते हैं। और गाइज वो छत्ती ऐसी जगह है जहाँ पे हमने अपना गत्ते अपने सामान रख रखे हैं, गिटार का बैग है और जिसमें गिटार आया था। तो इतना ही है गाइज हमारे रूम में। और एक अच्छी बात बताऊँ गाइज हमारे रूम की, यहाँ पे टाइल्स भी लगी हुई हैं जो कि बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है जिससे हमारा रूम। तो ये है गाइज मेरे गंदे रूममेट का साइड, ये है यहाँ हम बैठ जाते हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ये इनकी फैमिली फोटो है। और गाइस ये प्यारी सी महादेव की प्रतिमा यहाँ पे लगा रखी है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो हे गाइस, तो गाइस ये रहा मेरा बेड और ये गाइस मेरा बैग है जो मैं कॉलेज में लेके जाता हूँ ये। और मैं गाइस आपको एक चीज और दिखाता हूँ। तो पता नहीं गाइस क्या क्या पढ़ते रहते हैं। तो गाइस आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये प्लम की तरफ से बॉडी मिस्ट जो कि बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ है एज यू कैन सी। और गाइस इस प्लम के बॉडी मिस्ट को मैं अभी रिसेंटली बहुत यूज कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो गाइस आप देख सकते हैं, सो ये रहा प्लम की तरफ से बॉडी मिस्ट की बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। सो ये रहा हमारा हॉस्टल टूर, आई होप आप सबको ये टूर अच्छा लगा हो। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को शेयर करना और आगे तक चैनल को शेयर करो, सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और क्या फैसिलिटीज। ये है गाइस मेरे गंदे रूममेट का साइड, तो हम यहाँ जल्दी से बैठ जाते हैं।